स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अनिवेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता और जगदीश साहू प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं और पुष्कर महतो झारखंड आंदोलनकारी थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे जगदीश साहू जी आपसे। ये झारखंड हाईकोर्ट जो ये कह रहा है कि ये जो अवैध प्रवासी जो है यहां पर आ रहे हैं ये एक भीषण समस्या है। जगदीश जी आप समझते हैं ये भीषण समस्या है या नहीं? देखिए सवाल उठता है जो हाईकोर्ट ने सवाल जवाब दिया है और हाईकोर्ट ने जो ये किया है इस पर संज्ञान सरकार ने लिया हुआ है, लेकिन ये मैटर जो है टोटली मैटर जो है ये केंद्र सरकार के मातहत गृह मंत्रालय के मातहत है, प्रधानमंत्री के मातहत है और हमारे जो ये है बीएसएफ के जवानों पर ये है। नहीं एक सेकंड जगदीश जी एक काम करिए आप ये जो आप कह रहे हैं कि भाई टोटली केंद्र सरकार के मातहत है, आप एक लेटर जाइए बकायदा झारखंड हाईकोर्ट के सामने जाइए और ये एक लेटर दे दीजिए कि देखिए इसमें प्रदेश की कोई भूमिका नहीं है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई हमें गिनवा दीजिए सर। जगदीश जी उसमें तो डीसी जो है सो कार्रवाई कर रही है, उस क्षेत्र के डीसी लोग को जो हाईकोर्ट ने बोला है उस पर कार्रवाई कर रही है। नहीं पांच बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी पहचान कर पाए अभी तक आप लोग? सवाल है कि पांच बांग्लादेशी का घुसपैठी करने के लिए जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवार तो केंद्र सरकार है ना, बीएसएफ वहां क्या कर रहे हैं? बीएसएफ जो है फोर्स, बीएसएफ के फोर्स जो है वो पांच बांग्लादेशी को घुसने दे रहे हैं या किसी को भी घुसने दे रहे हैं तो वहां बीएसएफ क्या कर रहा है और होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? ये सारे मसला जो है होम मिनिस्टर का मसला है और केंद्र हाईकोर्ट ने जो दिया है तो डीसी अपनी काम कर रहा है, वहां के लोगों को वोट चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है अनिवेश जी जवाब दीजिए भाई, घुसपैठ हो रहा है तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंतर्गत आता है, यूआईए किसके अंतर्गत आता है, चुनाव आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन इसकी निगरानी क्यों नहीं कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है, एनआईए क्या कर रही है? सर ये सब आपके मातहत आते हैं ना, सब आपके अंतर्गत आते हैं तो यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये रिपोर्ट नहीं मिल रही है भाई। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी है तो मतलब आप इससे भाग रहे हैं या फिर हल्ला मचाना आपका मकसद है? केंद्र सरकार अपने दायित्व को बहुत ही कुशलता से निर्वहन कर रही है। इस बार आप देखिए उठाकर पूरा 1900 ये जो मोदी जी की सरकार जब से आई है देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो लगातार सुदृढ़ हुआ है, बाह्य सुरक्षा तो सुदृढ़ हुआ ही है, देश का आंतरिक सुरक्षा लगातार सुदृढ़ हुआ है, इसमें कहीं की दो मत नहीं है। अब भाई साहब लगातार जो पहली बार इससे पिछले बार भी हम देख रहे थे ये सीधा आरोप बीएसएफ के जवानों पर लगा दे रहे हैं, 500 किलोमीटर का बॉर्डर क्या बीएसएफ अकेले देख लेगी? चोर चक्के के समान सुरंग से पानी के अंदर से घुसकर जो घुसपैठिए घुस जा रहे राज्य में, इनका वोटर आईडी इनका आधार कार्ड और इनका राशन कार्ड बंद कैसे रहा है? और फिर यहाँ के संथाली आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके, यहाँ तो संथाल में लगभग 100 ऐसे नाम आ चुके हैं जो संथाली आदिवासी लड़कियों से वहाँ के मुस्लिम। नहीं अनिवेश जी आधार कार्ड कैसे बन रहा है वो तो सेकेंडरी हो गया ना सर, वो आ कैसे रहे ये प्राइमरी है ना। मतलब देखिए हाईकोर्ट न्यायपालिका जो मांग रही है तो न्यायपालिका जो भी मांगेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायपालिका की सभी बातों का सम्मान करती है, लेकिन राज्य सरकार लगातार अपने दायित्व से जो भाग रही है बंगाल के तर्ज पर यहाँ पर घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में बनाया जा रहा है। आज भी एक भी बयान आप वोट बैंक बनने क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है, नहीं नहीं एक सेकेंड, आप वोट बैंक बनने ही क्यों दे रहे हैं? आप ही के नेता कह रहे हैं ना, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और इसके बाद आप ही के जो नेता है बाबूलाल मरांडी, यही लोग कह रहे हैं ना कि देवघर दुमका साहिबगंज पाकुड़ गोड्डा और जामताड़ा इसमें जो है अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए लाए जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी बन रहा है, ये सब कुछ हो रहा है आपके नाक के नीचे। केंद्र सरकार में आपकी सरकार है फिर भी आप राज्य सरकार के नाम मस्तक हो रहे हैं। सीमा पर जो पुलिस चौकियां हो तो राज्य सरकार के मानत है ना, जो राज्य सरकार की पुलिस चौकियां हैं वहां किस तरीके से लोगों को प्रवेश मिलता है, किसी छुपा हुआ है क्या? आज वो आराम से आते हैं यहाँ पर अपने रिश्तेदारी के नाम पर कहीं घुस जाते हैं, उनका आधार कार्ड राशन कार्ड सब बन जा रहा आसानी से। राज्य सरकार की विधि व्यवस्था बिल्कुल फेल है यहाँ। आप झारखंड का जो आंतरिक स्थिति है, अब जहाँ जिस राज्य में 7-8 हजार महिलाओं के साथ सिर्फ दुष्कर्म की घटनाएं हो जाए तो आप समझ सकते हैं यहाँ कैसी विधि व्यवस्था होगी। यहाँ पर
पुलिस इंस्पेक्टर मारे जाते हैं। कल ही आप देखिए एक कैदी वहां पटक कर एक संथाली अपने चौकीदार थे पुलिस में हंसदा साहब उनका गला दबा के मार दिया उसने। तो बिल्कुल यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और यहाँ की वर्तमान सरकार लाख दुहाई दे जो उच्च न्यायालय बोल रहा है अब उसका पालन करना चाहिए। हम लोग भी पालन करेंगे, आप ही रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और इनके जो डीसी की बात है तो इनके डीसी लोग कितने सक्षम है, ये दो डीसी तो जेल के अंदर है। तो यहाँ पर राज्य में कैसा तंत्र है नौकरशाही का वो भी किसी ने छुपा हुआ नहीं है, वो कितने सक्षम है। जगदीश जी मेरा ये सवाल है, ये जो संथाल परगना के छह जिले हैं देवघर दुमका साहिबगंज पाकुड़ गोड्डा और जामताड़ा, ये जो यहां पर डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार है या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आपकी कह लीजिए, वो मानते क्यों नहीं है कि डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। मतलब रिपोर्ट आती है, हाईकोर्ट का इस पर आदेश आता है, आपको डांट फटकार लगती है लेकिन आंख खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जा रही है, आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है सर इसके लिए कि अचानक आदिवासी घट रहे हैं, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं ये घट रहे हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये अचानक से ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, तो जनसंख्या का आकलन कब हुआ? 2011 में हुआ है और 2011 में कितना जनसंख्या किसका बढ़ा है वो उसको केंद्र सरकार क्यों नहीं कर देती है, या पुनः जनसंख्या का जनसंख्या गिनती क्यों नहीं करवा देती लोगों की गिनती। रही बात कि एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाय, विपक्ष इसलिए होता है कि जो पक्ष के सरकार चलती है उसको गलती और सही को उजागर करना, लेकिन इन लोग गलती और सही का उजागर नहीं करना है बल्कि ये लोग जो है डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर वोट को पोलराइज करने के लिए, हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए इन लोग का एक षड्यंत्र है पूरे पूरे झारखंड में। आपने देख लिया कि जो इनका हेमंत बिस्वा शर्मा है सबसे ज्यादा तो घुसपैठ वही हुआ है, सबसे ज्यादा हेमंत शर्मा जो है मुख्यमंत्री असम के उनके क्षेत्र में कितना घुसपैठ हुआ। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ राज्य में घुसपैठ हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है जगदीश जी, और हेमंत सोरेन के यहाँ जो हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं शुभम जी एक बात और सुन लीजिए कि यहाँ की सरकार कृत संकल्प है और काफी सक्रिय है कि कोई भी घुसपैठ नहीं हो उसके लिए डीसी को पूरा आदेश निर्देश दिया गया, लेकिन इन लोग का तो राजनीति यही है, भाजपा की राजनीति तो यही है कि हिंदू से हिंदू हिंदू से मुसलमान को लड़ा दो, आदिवासी को क्रिश्चियन से लड़ा, सरना आदिवासी को जगदीश जी मैं एक सवाल फिर मैं वही पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा, बस एक सवाल पूछूंगा इसके बाद नहीं पूछूंगा। उसका वोट का झारखंड में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ या ना, बस मैं आगे चला जाऊंगा। देखिए जो भी हुआ है झारखंड में कभी हुआ होगा, जो भी क्या होता है, एक सेकंड जगदीश जी, जो भी क्या होता है, हम यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं, हुआ है या नहीं हुआ है झारखंड में, हाँ या ना? देखिए झारखंड में बांग्लादेश का कोई बॉर्डर ही नहीं है और बहुत दूर बॉर्डर है, इसलिए यहाँ घुसपैठ होने की संभावना कम है। जो भी संभावना है असम से संभावना है, जो भी संभावना है बंगाल से घुसपैठ की संभावना है, झारखंड में तो संभावना कम है। अगर कुछ आ भी गया तो उसको डीसी चिन्हित करके उसे हटाने के प्रयास करेंगे। नहीं जगदीश जी, अच्छा हुआ पार्टी के प्रवक्ता है, क्लास टीचर होते तो बच्चे तो आपके जिस हिसाब से आप डेमोग्राफिक बदलाव और समझा रहे हैं पूरा, वो बच्चे फेल ही हो जाते। चलिए ठीक है जगदीश जी, कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। पुष्कर मेहतो जी मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए जिस तरीके से झारखंड से लेकर और लगातार झारखंड हाईकोर्ट से लेकर और बाकी पक्ष विपक्ष तो आप छोड़ ही दीजिए, वो उस पर नहीं जाते हैं अभी, लगातार झारखंड हाईकोर्ट कई बार कह चुका है कि देखिए डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, इसको पकड़ने की कोशिश करिए, समस्या कहां रही है, अगर आधार कार्ड बन रहा है, अगर पैन कार्ड बन रहा है तो कौन उनको आधार कार्ड पैन कार्ड दे रहा है, और राज्य सरकार की तो भूमिका है ही, क्या केंद्र सरकार भी इस मामले में सिर्फ हल्ला मचाना उनका मकसद है या वाकई में चुनाव को देखकर ये दोनों पार्टियां आपस में पोलराइजेशन करती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त झारखंड में, और यह कितना खतरनाक है झारखंड के लिए? देखिए ये झारखंड का विषय नहीं है, पूरा देश स्तर पे ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है या
आपका ये कहेंगे कि अभी बर्मा और दूसरे कंट्री से भी रोहिंग्या वगैरह भी घुसपैठ किए हैं, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक कदम हुआ है जो घुसपैठ हुई है। वो झारखंड का डेमोग्राफी वो जबरदस्त खतरा में पड़ गया है, झारखंड का अस्तित्व अस्मिता पूरी तरह से खतरे में। आप संथाल परगना की स्थिति अगर देखेंगे तो संथाल परगना में जिस प्रकार से माइनिंग हो रहा है, 30 दिन में देख लीजिए कि आपको 20 डेज 20 दिन आदमी वहाँ रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और वहाँ पर आपका टीबी से भी खतरनाक बीमारी सिलोकोसिस नामक बीमारी से मर रहे हैं, वहाँ पर असहाय सा जिंदगी आदिवासी। अभी बांग्लादेश की स्थिति तो हमें पता है, वहां पर पूरी तरीके से सब कुछ छत-विछत हो गया है, हालांकि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 10-5% की गुंजाइश है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर आते हैं, एक तो उनको आने कौन देता है, दूसरा आते ही उनको आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आईडी बना के कौन दे देता है, यानी कोई तो है ना जो पोलराइजेशन वाला गेम खेल रहा है पीछे से। एकदम खेल रहा है। आपका गुमला जिला का मैं रिपोर्ट कल का बताता हूँ, गुमला जिला में 2,500 रुपया लेकर आधार कार्ड बनाया जा रहा है, गुमला जिला में आप बताइए जी साहू जी, मतलब आधार कार्ड भी बन रहा है 2,000 रुपया में, वो भी केंद्र सरकार ने जो रखे कि आधार कार्ड कहाँ बन रहा है, तो भाई उसको पकड़िए ना जो आधार कार्ड बना रहा है, पकड़िए ना क्या होता है, सत्ता में कौन है, एक सेकंड, वहाँ पर पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किसके तहत आते हैं भाई, तो डीसी तो चिन्हित कर रहा है ना कि कौन आधार कार्ड नकली बनवा रहा है या कौन आधार कार्ड बनवा रहा है। आपको पता है आप जैसे जवाब दे रहे ना, एक कहावत है, नौ 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 नरी सूत होगी ना राधा नाचेगी, नहीं कभी ना, आप ना, ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, केंद्र सरकार जब आपको सूचित करती है, 100 से ज्यादा फर्जी वेबसाइट है जो नकली आधार कार्ड दे देते हैं, 5 दिन में पैन कार्ड दे देंगे, वोटर आईडी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपको आपके कान में जू नहीं रंगता है बिल्कुल, आप केंद्र सरकार पे आरोप थोप के आप निकल जाइएगा। नहीं नहीं, अगर जो बना रहा है आधार कार्ड बना रहा है उसको डीसी पकड़ हो रहे हैं और डीसी कर रही है, नहीं सुनिए जगदीश जी, सुनिए पुष्कर मेहतो जी क्या कह रहे हैं, 2,000 रुपये में आधार कार्ड बन रहा है सर, लाइसेंस नहीं बनता उसमें जी, झारखंड में विडम्बना की स्थिति है, करप्शन पूरे चरम पर है, करप्शन देख देख पर है, एकदम देख देख पे करप्शन है, उसके जहाँ भी कहते हैं कि झारखंड में जिस भी टेबल में चले जाइए करप्शन पूरी तरह से है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, यानी कि पुष्कर मेहतो जी, यानी कि पूरा तरीके से अगर देखा जाए, ये जो खबरें आती हैं, रिपोर्ट आती हैं, झारखंड की झारखंड हाई कोर्ट का आदेश आता है, फटकार आती है, यानी कि एक मौजूदा सरकार सही बाकी सब गलत, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, बाकी वोट पोलराइजेशन पूरी तरीके से हो रहा है। ठीक है पुष्कर जी, आपने म्यूट कर रखा, मैं आपके पास आऊंगा। अनिमेश जी एक सेकंड, अनिमेश जी मेरा आपसे सवाल है सर, अगर गृह मंत्रालय हर बार पर घुटने टेक देता है राज्य सरकार के आगे कि आप क्या कर रहे हैं सर, आपके हाथ में सारी एजेंसियां हैं सर, आपके हाथ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर, आपके हाथ में यूआईए है सर, इलेक्शन कमीशन है सर, आईबी है सर, एनआईए है सर, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, और आप फिर भी राज्य सरकार के आगे कह रहे हैं कि भाई देखिए घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है। सर केंद्र सरकार में आप बैठे, दिल्ली में आप बैठे हैं, आप जब चाह ले ये लीजिएगा, बॉर्डर कैसे जो है वहां पर मनमानी हो जाएगी। देखिए होम मिनिस्ट्री का काम पूरे देश के लिए है, कोई एक झारखंड देश में नहीं आता है सर, यहाँ पर जो है बीएसएफ का जो दायित्व है वो निर्वहन बीएसएफ क्या कर रही है। जहाँ तक अमित शाह जी का बात है तो अमित शाह जी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आज उनके कामों के कारण कई जगह बहुत राहत मिले हैं, लेकिन अगर वो अपने काम का निर्वहन कर रहे हैं रमेश जी, तो फिर अगर ये संथाल परगना के 6 जिलों में डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है तो फिर सर उनके काम पर संदेह खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं सर खुद। बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ उस समय अमित शाह माननीय गृह मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में घुसपैठ नहीं होने देंगे, करना पड़ेगा, और फिर जब उनको पता है कि बांग्लादेश घुसपैठ कर रहे हैं तो उनको सख्त कदम उठाना चाहिए। कई एजेंसियां आगाह की हैं, आज अगर कोर्ट इस पर निर्णय ले रहा है
किसी कारण से ही ले रहा है। राज्य सरकार की पूरी उसने लचर व्यवस्था को देख लिया, मूल्यांकन कर लिया। नहीं अनिमेश जी, कोर्ट ने सिर्फ राज्य सरकार को इन्वॉल्व नहीं किया, केंद्र सरकार को फटकार आपको भी लगी है। न्यायपालिका अपने रोल में आई है। नहीं फटकार तो आपको भी लगी है, आप ये मत कहिए कि राज्य सरकार को फटकार लगी है, आपको भी लगी है और एक पार्टी आपको भी बनाया गया है। ये जितनी एजेंसियां मैं बता रहा हूँ सर, जवाब इनसे भी मांगा गया है। हम उसको सबमिट करेंगे, केंद्र सरकार अपने दायित्वों से भागने वाली नहीं है। जो न्यायपालिका बोलती है हम तो करते ही है। न्यायपालिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हमारा दायित्व है, हम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम झारखंड सरकार को अब न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। जो जो चीज उसने मांगा है वो राज्य सरकार दे तो सही, केंद्र पर उलाना देंगे। सर ये पता क्या है? ये फुटबॉल हो रहा है, राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, ये लड़ाई चल रही है सर। आप उनके पाले में फुटबॉल डाल रहे हैं, वो आपके पाले में डाल रहे हैं सर। झारखंड हाईकोर्ट कह रहा है भाई दोनों लोगों को साझा मिलकर एक साथ जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक साथ इनका निवारण करना पड़ेगा, लेकिन आप जो है उनके माथे डाल रहे हैं, वो आपके माथे डाल रहे हैं। और ये हाल ये है सर कि संथाल परगना का पूरा डेमोग्राफिक बदलाव होकर रहा है, पूरा तरीके से बदल गया सर, सब कुछ आपके हाथ में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में सबसे बड़ा चिंता का सवाल यही खड़ा हो जाता है सर। जी जगदीश साहू जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा ही जवाब दीजिएगा। देखिए समय का अभाव है, मेरा यह कहना जगदीश जी, देखिए अगर डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, और ऐसा नहीं है सर कि किसी गांव में हो रहा है सर, पूरी तरीके से कई कई जिले, 6 जिले अभी तो फिलहाल प्रभावित है, बाकी के प्रभावित हो रहे हैं। कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां 50-50 हजार 60-60 हजार मुस्लिम जो आबादी है वो बढ़ जा रही है सर, वो भी चुनाव सामने है, तो सवाल नहीं खड़ा होगा आपकी नियति पर? देखिए मैंने पहले भी कहा कि केंद्र सरकार के पास एनआईए है, केंद्र सरकार के पास सीबीआई है। बस वही जगदीश जी की आपको अपना जवाब नहीं देना, आपको दूसरे पर ठीकरा फोड़ना है। बस एक मिनट सुन लीजिए, बीएसएफ के फोर्स हैं और वो अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार के साथ मिलजुल करके इस घुसपैठी को समाप्त करने का प्रयास करें। ये कहां राज्य सरकार इससे पीछे भाग आपने पहल की, केंद्र सरकार को सूचना दिया इस बात का कि देखिए इतने इतने जिले में प्रभावित हो, आपने कोई फाइल बनाया? केंद्र सरकार दिल्ली आए मुख्यमंत्री जी? अभी अभी आपको एक बात बता रहे हैं कि अभी जो बांग्लादेश में जो ठीक है जगदीश जी मुझे पता है, देखिए आप उनके पाले में डालेंगे, वो आपके पाले में डालेंगे और बेड़ा गर्क हो रहा है झारखंड का, जो बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है आंकड़ों में भी और झारखंड के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में भी। ठीक है, चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरी तरीके से बांग्लादेशी में बांग्लादेशी घुसपैठ में साजिश, सियासत और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चर्चा में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।